दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। होटल एक ऐसी जगह जहां पर हर इंसान सुकून के कुछ पल बिताने जाता है। आपको ये सुनकर बेहद आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे विशाल होटल जिसमें 10,000 कमरे हैं, वह पिछले 75 सालों से वीरान पड़ा है। ये इमारत एक खूबसूरत आइलैंड में समुद्र के किनारे मौजूद है। ऐसा कुछ जानते ही आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इतना विशाल होटल किस देश और कौन से शहर में मौजूद है, इसे किसने और क्यों बनवाया था, आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सका, आखिर क्यों पिछले 75 सालों से ये होटल वीरान पड़ा है। आइए विस्तार में जानते हैं। दुनिया का सबसे विशाल ये होटल जर्मनी के बाल्टिक सागर के रोगन आइलैंड में मौजूद है। इस सी फेसिंग होटल में 10,000 बेडरूम्स हैं। इसका निर्माण आज से करीब 75 साल पहले किया गया था, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि तब से लेकर आज तक इस होटल में एक भी यात्री नहीं रुका है। जर्मनी के नाजी शासन ने इस विशाल होटल द प्रोरा का निर्माण 1936 से 1939 के बीच में करवाया था। इसे बनाने में 9,000 लेबर फोर्स को 3 साल लगे थे। नाजियों ने इस होटल को एक प्रोग्राम स्ट्रेंथ थ्रू जॉय के तहत निर्माण करवाया था। विशाल होटल के निर्माण के पीछे का उद्देश्य था कि यहाँ पर जर्मन वर्कर्स को मनोरंजक गतिविधियों में शामिल किया जा सके और नाजी प्रोपेगेंडा को फैलाया जा सके। स्थानीय लोग इस इमारत के स्मारक सरीखे ढांचे के कारण इसे प्रोरा या कोलोशस कहते हैं, जिसका अर्थ झाड़ीदार मैदान, बंजर भूमि होता है। होटल प्रोरा में एक जैसी दिखने वाली 8 बिल्डिंग्स बनाई गई और हर बिल्डिंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यह बिल्डिंग समुंदर से 150 मीटर दूर है। नाजियों ने यहाँ के लंबे समय तक की योजना बनाई थी। इसमें 4 एक जैसे रिजॉर्ट थे, सभी में सिनेमा, फेस्टिवल हॉल और स्विमिंग पूल थे, और यहाँ तक के यहाँ पर एक क्रूज शिप भी खड़ा हो सकता था। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का ये प्लान बहुत महत्वाकांक्षी था। वह एक घुमावदार सी रिजॉर्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में सबसे विशाल हो। वह चाहता था कि इस इमारत में 20,000 से अधिक बिस्तर हों। होटल के हर कमरे में एक ऐसी योजना बनाई गई थी कि वहां से समुंदर का नज़ारा देखा जा सके। हर कमरे में 2 बेड, 1 अलमारी और 1 सिंक बनाया गया है। हर फ्लोर में टॉयलेट्स, शावर और बाथरूम सामूहिक बनाए गए थे। बिल्डिंग के बीच में ये व्यवस्था की गई थी कि युद्ध काल में इसे अस्पताल में बदला जा सके। हिटलर का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा होता इससे पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। उसने बिल्डिंग के निर्माण में लगे कर्मचारियों को एक वेपन प्लांट में हथियारों के उत्पादन के लिए भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पास के देशों की बमबारी के दौरान हैमबर्ग से विस्थापित हुए लोगों ने यहाँ पर पनाह ले ली। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूर्वी जर्मनी में विस्थापितों को द प्रोरा के एक ब्लॉक में रखा गया था। इसके बाद पूर्वी जर्मनी ने इस होटल का उपयोग एक मिलिट्री पोस्ट के लिए किया था। 1990 में पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के एक होने के बाद इस जगह का उपयोग एक मिलिट्री टेक्निकल स्कूल के लिए किया गया। इसके बाद बाल्कन देशों से आए विस्थापितों के लिए ये जगह एक शरण स्थल बनाई गई। आज भी ये बिल्डिंग काफी खूबसूरत दिखती है, हालांकि इसके कुछ ब्लॉक्स को छोड़कर बाकी ब्लॉक्स खंडर हो चुके हैं। 2011 में इसके एक ब्लॉक में 400 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया। अभी प्रोरा को 300 बिस्तरों वाले एक हॉलीडे रिसोर्ट में बदलने की तैयारी की जा रही है, जिसमें टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और शॉपिंग सेंटर होगा। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार
हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।